हेलो बच्चों, अब करेंगे हम फिफ्थ का सेकंड पार्ट। और बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हाँ, 2x + y = ये x है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे बिल्कुल भी मत करना, डायरेक्टली इस पर मल्टीप्लाई मत कर देना, ये होगा नहीं। मैं आपको अभी बता दूं, सबसे पहले आप एलसीएम लेना। तो देखो, मैं इसको कैसे अप्रोच बाय अप्रोच कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये हो गया 2x + x - y/6 = 2। पहले मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ये हो जाएगा 6। तो 6 6 2 12x + x - y = 2, ये हो जाएगा बच्चों 13x - y = 12। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। सेकंड वाला भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और सेकंड वाला जब मैं इसको सॉल्व करूँगा फिर दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, उसके बाद एलिमिनेशन लगाता हूँ, है ना। माइनस, ये हो जाएगा 2x + y/3 = 1। और बच्चों याद रखना, कभी भी माइनस बाहर है ना, अगर ऐसे ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों में, तो अंदर सारा माइनस हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x - ये हो जाएगा बच्चों 2x - y = 1। ये 3 इधर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3x - 2x मैं लिख लेता हूँ अभी फिर भी, = ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3x - 2x, हो जाएगा x - y = 3। देखो, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये थी, सेकेंड ये थी, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ और अब मेरा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो मैं अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इन दोनों पे एलिमिनेशन लगा देता हूँ, तो देखो क्या आता है। तो देखो, ये हो जाएगा 13x - y = 12, और ये हो जाएगा x - y = 13। तो देखो, ये दोनों मैंने निकाल लिए थे, अब दोनों में मैं एलिमिनेशन लगाता हूँ। देखो, ये पहले से ही माइनस है, मैं एक काम करता हूँ, इसको माइनस, ये प्लस, ये माइनस कर देता हूँ, ये पूरा कैंसिल आउट। तो 13 - x हो जाएगा 12x, और 12 - 3 हो जाएगा कितना बच्चों, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये हो जाएगा 9। तो x हो जाएगा बच्चों 9/12, और ये कटेगा 3 3 जा 3 4 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/4। x आ गया मेरे पे 3/4। अब y भी मेरा आ जाएगा आराम से, तो देखो इस पे मैं रख देता हूँ, तो मेरा y भी आ जाएगा। तो देखो, x है 3/4 - y = 3। इस y को मैं इधर फेंकता हूँ और इस 3 को मैं इधर फेंक देता हूँ, तो 3/4 - 3 = y हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 3 - 3 1 जा 3 3 4 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 = y। और बच्चों, अब ये हो जाने वाला है -9/4, तो y आ जाएगा बच्चों -9/4, है ना। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, 3/4x और y -9/4। तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन।